मैं हूँ जोया फैजान। मैंने फेबिना ग्रुप फाउंडेशन में पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत अच्छा हम लोग को मौका मिला है कि हम लोग होम शेफ लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का। और मेरी आज डिश मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा देते चलूँ तो मैंने इंटीरियर डिज़ाइन किया है और मैं किंडरगार्टन की टीचर भी रह चुकी हूँ। और मेरा कुकिंग मेरा पैशन है। और मेरी आज डिश है मुर्गे मुसल्लम। ये मुगल डिश है, तो चलिए ये बनाने चलते हैं। तो चलिए हम रेसिपी की तरफ जाते हैं। तो मैं बना रही हूँ मुर्गे मुसल्लम। इसके लिए हमने मुर्गा लिए है, ये 2 kg का मुर्गा है। और फिर इंग्रेडिएंट्स उसको मैरिनेट करने के लिए, ये फर्स्ट स्टेप है। तो इसे मैरिनेट करने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स है जो मैंने यहाँ पे रेडी रखा है। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये टू टेबलस्पून हैंग कर्ड है। इसके लिए लगेगा रेड फूड कलर, 1 नींबू और मैंने 1 teaspoon रेड लाल मिर्ची लिया है। और अपने टेस्ट के मुताबिक नमक लेना है आपको। तो चलिए मैरिनेट करते हैं इसको। तो पहले हम नींबू निचोड़ेंगे। हमें पूरी तरह अच्छे से मुर्गे में, अच्छे से कट्स में, सब जगह ये नींबू को अच्छे से लगाना है, ठीक है? तो ये मुर्गा जल्दी से गल जाएगा। फिर हम अदरक लहसुन का पेस्ट लेते हैं। पहले लाल मिर्ची डालते हैं। लाल मिर्ची डाले ना, अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं हम लोग। ये ऐसे पूरे कट्स में लगाना है। अब दही डालते हैं। अब रेड फूड कलर डलेगा। हम पहले सब कुछ डाल देते हैं, फिर अच्छे से हाथ से मिला मिला के इसको पूरे मुर्गे तक लगाना है हमको, अंदर अंदर कट्स में भी। ये रेड फूड कलर डाल रही हूं मैं अभी। ये पूरे मुर्गे के अंदर आपको डालना है, तभी आपको टेस्ट आएगा। ये मुर्गे के अंदर तक टेस्ट जाना चाहिए। देख रहे हैं आप ना किस तरह मैं लगा रही हूँ, पूरे कट्स में भी जाना चाहिए, तभी इसका टेस्ट आएगा। तो ये मुर्गे पे पूरा मसाला लग गया है। अब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे हम। तो फिर हम अब ग्रेवी के लिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। मुर्ग मुसल्लम के लिए अब हमको ये गरम मसाला रेडी करना है। तो मैंने इसमें लिया 1 teaspoon जीरा, 10 से 12 काली मिर्चें, हाफ से भी क्वार्टर मतलब जायफल, ये देखिए नटमेग, और 3 tablespoon मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, और ये जावेत्री बोलते हैं इसे, जायपत्री। तो इसके कुछ मैंने 1-2 स्ट्रिक्स लिया है। ये 1 teaspoon खसखस लिया है और ये 5 से 7 इलायची लिया है। इसमें इलायची की क्वांटिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इलायची का ही फ्लेवर आना चाहिए। तो अब हमको हम इससे बनाते चलते हैं। पहले इसको हमको 1 teaspoon ऑयल डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो गैस जलाते हैं। जैसे ही पैन गर्म होता है
वैसे हम इसमें ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून। ऑयल पैन गरम होने तक वेट करते हैं। टीस्पून ही बस ऑयल डालना है आपको। तो ये ऑयल डाल दिए हमने और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम रोस्ट कर लेंगे। जैसे ये थोड़े रेड रेड दिखने लगे आपको, तो फिर हमें इसकी फ्लेम कम कर देना है गैस की। तो ये जब तक रोस्ट होता है उसके बाद हम इसके तरफ आते। तो यहाँ पे हमने जो मुर्गा लिया था, अब हमें उसे फ्राई करना है। एक साइड हम वो भी फ्राई करते हैं। ये बड़ी कढ़ाई लिया है, बड़ी कढ़ाई में ज्यादा अच्छे से होता है, इसलिए हम लोग ने बड़ी कढ़ाई लिया है। अब इसमें ऑयल डालते हैं। ज्यादा ऑयल डालना नहीं है आपको, ज्यादा ऑयल डालेंगे तो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ऑयल डालना है कि ग्रेवी में भी वही ऑयल कवर हो जाए, क्योंकि चिकन की स्मेल आना चाहिए। ये जैसे कि इधर मेरा ये भी रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे मिक्सर के जार में खाली करते हैं, जब तक हमारी कढ़ाई का ऑयल भी गर्म हो जाता है। हमें इसमें इसे बहुत अच्छे से माइन ग्राइंड करना है, एकदम बारीक। ये ऐसे करके हमने पूरा पानी ऐड कर लिया। अब ये लास्ट इतना सा पानी बचा है उसे भी हम डाल देते हैं और इसे इस तरह से एक बार चम्मच से ला लेते हैं। इसमें जाएगा 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, भर के धनिया पाउडर, अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपके लाल मिर्च डालना है। वैसे तो मैं 3 से 4 स्पून यूज कर रही हूं। अब इसे थोड़ी देर भुनने देते हैं हम। ये जैसे ही थोड़ा भुन जाए तो इसमें फिर हम 2 स्पून दही ऐड करेंगे। अब ये मसाला जैसे आपको दिख रहा है तेल ऊपर आ रहा है, तो ये भून रहा है मसाला। अभी स्टेज पे हम 1 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। अब हमने जो गरम मसाला बनाया था वो खोपरा और खसखस का, अब वो ऐड कर लेते हैं। और
ये काजू बादाम का पेस्ट है, इसके लिए मैंने लिया था 25 हमने काजू लिए थे और 8 से 10 बादाम लिए थे। उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के रोस्ट कर लिए थे और फिर ग्राइंडर में पीस लिए। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं इसका तेल ऊपर आ रहा है मसाले का, तो अभी इस स्टेज पे हम ये काजू बादाम का टेस्ट पेस्ट ऐड कर लेंगे। काजू बादाम का पेस्ट लास्ट में ऐड करना है क्योंकि काजू से ग्रेवी चिपकने लगती है, तो सबसे लास्ट में हम काजू बादाम का पेस्ट ऐड करेंगे। उसके बाद 1 स्पून मैंने खोआ लिया था वो ऐड करेंगे। अगर आपको थोड़ी ज्यादा मतलब स्वीट डिश टाइप पसंद है, स्वीट टेस्ट, तो आप थोड़ा खोआ ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपने घर की टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून लिया था, आप 1.5 से 2 स्पून भी ले सकते हैं। अभी हम इसे कम फ्लेम पे स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर भुनेंगे। इसे गार्निश करते हैं। गार्निश करने में मैंने काजू का इस्तेमाल किया है, तो ये काजू से मैंने गार्निश किया। अब ये पनीर है, पनीर से भी गार्निश करते हैं अभी हमारे पास फ्रेश मलाई है, वो भी हम इसमें गार्निश करेंगे थोड़ी थोड़ी इस तरीके से। कुछ बॉयल एग्स है, उससे भी हम गार्निश करते हैं। इस तरीके से आप जैसे चाहे वैसे गार्निश कर सकते हैं इसको, अनियन के साथ, टोमेटो के साथ। तो ये हमारी मुर्ग मुसल्लम रेडी है।